होते जो मेरे भाई को देखते हो और अंदर घुस जाते हो। तो तुम्हारा भाई क्या प्रेसिडेंट उड़सीडेंट है, आके एकदम सलामी मार दे, इतना नितरा कह रही हो, लग रहा है कि सोना का हार लेके आया है, खुश तो ऐसे हो रही हो। थोड़ा घसको उधर भाई, उधर घसको। चुतर सोफा पे सट्टा नहीं है ना, वैरायटी पे वैरायटी आइटम लाना शुरू कर देती हो। किससे पूछ के इसको बुला लिया? आज छठ के बाद आता तो ठीक है, छठिया में काहे बुला ली? क्या छठ में प्रसाद खाने के लिए बुलाए तो तुमको इससे क्या मतलब है? इसी का मुंह प्रसाद खाने वाला है, और गली मोहल्ला में आदमी नहीं है मेरे पास अभी, तो फिर चल ही जाओगे ना तुरंत 2 मिनट में? क्यों जाएगा भाई तुरंत? क्या बोल रहे हो, इससे क्या कर रहा है? अब तुमको क्या, 10 रोटी से नीचे तुम खाते हो नहीं, यहाँ पे हमको 10 रोटी, इसको तो देख के भी कोई बता देगा ना कि कितना रोटी खाते होंगे। ठीक है, बहुत बेइज्जत कर रहे हैं। पता है, एक तो मेहमान जब कोई आता है ना घर में तो समझो कि भगवान आया है। तुम्हारे घर में कोई काजू छुहारा देखा है जिंदगी में? कंपनी का है ना, हमको तो कुछ पता ही नहीं है। कंपनी का काजू मंगाए थे, इंपोर्टेड काजू था, कश्मीर से मंगवाए थे। मुंह है इसका कश्मीर वाला खाने का, मुंह है इसका कश्मीर वाला खाने का। क्या बोल रहे हैं आप, क्या चाह रहे हैं? कश्मीर जैसा मुंह सब देखे बेइज्जती कर रहे हैं बहुत मेरा। वो जाता है कि बहन के घर जाता, तुम्हारी मिठाई लेके जाता है, वो भी बच्चा है, उसको क्या पता है इतना रीति रिवाज, तुम्हारे सब बूढ़ा है। दाढ़ी मोच भर भर मुंह होगा, दाढ़ी मोच भर भर मुंह होगा हुआ है बच्चा तो हाँ, दाढ़ी मोच होने से बहुत बड़ा हो जाता है ना। शादी ब्याह करेगा तो 4 वर्ष का बच्चा हो जाएगा। तुम बच्चा जी सुन रहे हैं क्या? जाओगी तुम भाई? हम तुमसे पूछने आ रहे थे कि मम्मी बुलाई है। उसका तो टांग है नहीं कि तोड़ सकेंगे, लेकिन तुम्हारा जरूर तोड़ देंगे। तू खाई मुंह देखी हुआ अपना, मिठाई दो ही सब पागल। तुम क्या बकवास करते रहते हो हमेशा? इनको तो मेहमान से बात करने का तमीज नहीं है, तो आएंगे भी नहीं कभी, हमेशा ऐसे ही करते हैं। खाने के लिए बैठे हैं तो आप सामने से प्लेट खींच रहे हैं। बताओ ना ऐसा कौन करता है? देखो ना, काजू छुहारा छोड़ के गाड़ी का चाबी मेरा लपक लिया, ऐसा तो हम आदमी देखे हैं, लपक लिया। अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हैं? क्या दिक्कत, हम क्या बोल दिया? क्या बोल दिए? सब बात बोल के और बोले सोच हुआ खा के बिल्ली चली आज को, वही बात। रुको मजाक कर रही है, अरे कहाँ जा रही है? छोड़ो मेरा हाथ, बोल रहे ना। Hey guys, welcome back to our channel, Sonal Suhan Blog. कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे हैं, हम लोग भी अच्छे। गाइज, आपने लास्ट वाले प्रैंक कॉमेडी वीडियो पे बहुत ज्यादा प्यार दिया, भर भर के कमेंट किया। सोनल ने बहुत खतरनाक प्रैंक मेरे ऊपर किया था, घोष प्रैंक, जो मैं वाकई डर गया था। तो आप लोगों को आज लोकेशन चेंज दिख रहा होगा। हाँ, एक्चुअली मैं अपने घर आया हूँ छठ पूजा में, अभी मैं छठ पूजा में अपने गाँव पे आया हूँ। तो मैं आज एक्चुअली बात यह है, बहुत तगड़ा प्रैंक आने वाला है, अच्छा कर लौंडा है। तो सोनल का भाई भी आने वाला है और हम करने वाले हैं साला को पूरा जलील। घर आया साला, जीजा ने बाहर निकाला, और इस बार मैं साला को भी नहीं बताने वाला हूँ कि मैं उसका क्लास लेने वाला हूँ। उसको लगेगा कि यार जीजा का बर्ताव ऐसे काय हो गया। तो पूरा बिजोड़ करने वाले हैं, प्रैंक पूरा देखना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। घोर बेइज्जती करने वाले हैं, घनघोर बेइज्जती। गाड़ी देखिए, सोनल की भाई आने वाला है, इंतजार कर रही है, देखिएगा। और बहुत लेट कर दिया आने में। बैठो, जाम था कहीं पे क्या? हाँ थोड़ा जाम था। जाम था इसीलिए ना तुम बोले क्या 5 मिनट में आ रहे हैं, हम 10 मिनट से यहाँ पे खड़े हैं, हमको वही लगा कि लेट हो गया। बैठो, लाते हैं पानी वानी। और घर में सब ठीक? वहाँ तो शाम में चल रहा होगा प्रसादी ना? अच्छा, और मम्मी लोग काम कर रही थी? हाँ, वो आई थी बगल वाली आंटी जो हेल्प करने के लिए। अच्छा, बगल वाली? हाँ, आई थी ना। आपके बारे में पूछ रही थी। हाँ, मेरे बारे में। यहाँ पे तो देखो, अगर मम्मी नहीं करती ना तब तो हम भी चले ही जाते, लेकिन आज इस बार मेरा मन कर रहा था। मम्मी को पहले भी बोले थे जैसे अपने बात करना ना बोलना, मम्मी तो हम कैसे बोल रहे थे। अब हाँ, अभी तो देखे तो यही पे थे ना, कहाँ गए? रुको बुलाते हैं। ठीक है बैठो, हम बुला के लाते हैं। कहाँ गए जी? आओ ना इधर जी। बहुत तेज हो। क्या हुआ जी? बहुत तेज हो, मेरे भाई को देखते हो और अंदर घुस जाते हो। तो तुम्हारा भाई क्या प्रेसिडेंट उड़सीडेंट है, आके एकदम सलामी मार दे, सलामी मार दे। आया है पैसे सब आता है, वैसे आया है, आया तो बैठ गया। क्या बोला तूने? इतना नितरा कह रही हो, लग रहा है कि सोना का हार लेके आया है, खुश तो ऐसे हो रही हो। हो गया तुम्हारा स्टार्ट। थोड़ा घसको उधर भाई, उधर घसको। स्टार्ट। थोड़ा घसको उधर भाई, उधर घसको। गजब बेइज्जती है। हम बैठते हैं यहाँ। और कैसा है, सब कुछ ठीक है? अपना बताइए। अपना वही व्यवस्था किए हुए, छठ उठ का पूजा हो रहा है, तो खाने वाला फ्री में खाने वाला आ ही रहा है सब, जैसे तुम आ गए वैसे सब आ रहा है। क्या बकवास कर रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो? बकवास कर रहे हो? नहीं, हमको ये कहना है कि
किससे पूछ के इसको बुला ली अभी? आज छठ के बाद आता तो ठीक है, छठिया में काहे बुला ली? क्या छठ में प्रसाद खाने के लिए बुलाए तो तुमको इससे क्या मतलब है? इसी का गुमु प्रसाद खाने वाला है, और गली मोहल्ला में आदमी नहीं है मेरे पास। उसका मुंह तो वहाँ खा ही रहा था ना तुम्हारे घर में, क्या जरूरत है यहाँ बुला ली? तुम सुनो ना, अपना मुंह बंद करो ठीक है? क्यों सब प्रसाद खा सकते, मेरा भाई आके प्रसाद नहीं खा सकता है? एक वो तो आया है खाली हाथ, हाथ डुलाते आ जाता है, लाजूज लगता है तुम लोग फैमिली को कि मारो मिठाई लेके भी कहीं जाए तो ले जाए। सुनो ना, प्लानिंग नहीं था आने का ठीक है? वो तो प्लान, मास्टर माइंड तो तुम हो ना, बैठ के बनाते रहती हो। मास्टर माइंड तो तुम हो ना, बैठ के बनाते रहती हो। देख लियो कि घर में हलवाई बैठवा दिए हैं तो बुला ली पूरा घर को खिलवाने के लिए। सुनो ना सुहान, ज्यादा बकवास करोगे ना, समझ जाना कुछ हम भी बोल देंगे। समझ जाना समझ जाना। और बताओ भाई कैसा है, ठीक है सब? अभी तो फिर चल ही जाओगे ना तुरंत, दो मिनट में? क्यों जाएगा भाई तुरंत? गजब आदमी है यार, कौन कहां चला है भाई? हां अभी पूजा हो रहा है, पूजा होगा, पूजा होने के बाद प्रसाद उसका खा के जाएगा। पूजा में क्यों चला जाएगा? पूजा में मंत्र उंतर पढ़ेगा क्या? बैठेगा कुर्सी तोड़ेगा, आधा 10 मिनट में तुम ला के इसको देते रहोगे, घर का जो भी आटा बचा है उसको गील करते रहोगे यहां पे। हद आदमी हो, गजब एकदम चीप जैसा करते हो यार, सही में। छठ फूट घर में हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सबको न्योत दिया करो। अरे ठीक है, पानी उनी पिलाओ, इसको विदा करो, और भी काम है घर में, हाथ उठ बटाओ जाके सास ससुर का। गजब बेइज्जती है। क्या हुआ जी, ऐसे क्या कर रहे हैं? क्या हुआ जी, ऐसे क्या कर रहे हैं? अरे कमाते हैं यार पैसा उसा, समझते हो, बुड़वा देती है बुला के। अब तुमको क्या है, 10 रोटी से नीचे तुम खाते हो नहीं, यहाँ पे हमको मैनेज करना। 10 रोटी, इसको तो देख के भी कोई बता देगा ना कि कितना रोटी खाते होंगे, ठीक है? तुम तो चुप रहो। हम आ रहे हैं ठीक है बाबू, मिठाई लेके और पानी लेके। अच्छा लेके आ रही हो, घर आया हुआ है मेहमान, तो तुम क्या जा रहे हो? आप पानी सर्व दें, मिठाई देंगे, कुछ बना रहे हैं, चाय पियोगे? ठीक, तुम तो ओके बात करना हमसे। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? और पढ़ाई लिखाई जी कैसा चल रहा है, कुछ निकला एग्जाम? एग्जाम एग्जाम तो दे रहा है, निकला तो नहीं है। दे तो तुम 5-6 साल से रहे हो, लेकिन निकला कि नहीं निकला ये बताओ ना। कब तक प्लानिंग है, 10-20 साल तक पढ़ाई करने का, कि अभी हो जाएगा? अभी कुछ नहीं, हो जाएगा, बाल उल सफेद होने तक हो जाएगा ना। अरे कहाँ गई जी, बैठा दियो इसके बगल में, हमको एकदम लग रहा है कि क्या तुमको पनिशमेंट मिल जाए इसके बगल में बैठा दिए तो, कुछ ही लाई हो जी? नाश्ता लाए हैं, कुछ खाएगा नहीं, स्नैक्स लाए हैं। ये स्नैक्स है, खाओ ना बाबू, इतना टाइट है। कौन, काजू, पिस्ता, बादाम, सेव, ऑरेंज बिस्कुट, और वहां कुछ रखी हो? मिठाई है तो अब क्या, चार तो हाथ है नहीं मेरा। एक डिब्बा काजू, पिस्ता, बादाम, सेव, ऑरेंज बिस्कुट, ऐसा मिठाई है जी? तो दिवाली में भी हम तुमको कितना बुलाए, लेकिन दिवाली में तुम नहीं आया, इस बात से तुमको इतना गुस्सा है ना तुम्हारे ऊपर? का है, दिवाली में भी उड़ाने पे थी, मतलब बैठता नहीं है कोई तुम्हारे घर से, आता जाता नहीं है कि मन मिठाई देना शुरू कर देती हो। चुत्तर सोफा पे सट्टा नहीं है ना, चुत्तर सोफा पे सट्टा नहीं है ना कि वैरायटी पे वैरायटी आइटम लाना शुरू कर देती हो। तुम क्या चाह रहे हो कि मेरा भाई एक चीज को भी नहीं छुए, तुम यही चाह रहे हो क्या? तुम्हारा भाई का जी मुंह देखा है कभी, काजू छुहाड़ा का? खाओ ना, लो खाओ ना, देखो ना इतना तुम सहमा दियो ना बेचारे को कि इसको उसको खाने में भी नहीं बन रहा है। हमको जी सहमाएंगे, ये तो ये नहीं रहे, दो मिनट के लिए उधर चल जाते, पूरा डिब्बा खाली कर दे, पूरा डिब्बा खाली कर दे। पता है, एक तो मेहमान जब कोई आता है ना घर में तो समझो कि भगवान आया है। तुम्हारे घर में कोई काजू छुहाड़ा देखा है जिंदगी में? कंपनी का है ना, हमको तो कुछ पता कंपनी का है ना, हमको तो कुछ पता ही नहीं है। कंपनी का काजू मंगाए थे हम, इम्पोर्टेड काजू था, कश्मीर से मंगवाए थे। बुढ़ाई का कश्मीर वाला खाने का, बुढ़ाई का कश्मीर वाला खाने का। सिर्फ तुम्हारा मुँह है, तुम बोलते नहीं, सिर्फ तुम्हारा मुँह है, सिर्फ तुम ही खाओगे। क्या बोल रहे हैं आप ऐसे? तो आप क्या क्या बोल रहे हैं, इसे क्या बोल रहे हैं, क्या चाह रहे हैं आप? कश्मीर जैसा मुँह सब क्या ये? अरे मतलब बुआ रहे की दोनों भाई बहन का मतलब ये सब देखा नहीं है तुम लोग घर में, सब कहाँ आता है जी? देखे बेइज्जती कर रहे हैं बहुत मेरा। हाँ ये बहुत ज्यादा काबिल बन रहे हैं ठीक है, ये जो हम लोग कुछ जो बोलते नहीं है ना एकदम सर पे नाचते रह रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो? ज्यादा बकवास करोगे ना अभी इसी के साथ चले जाएंगे, समझ में आया? ऐसे बुलाई मम्मी? हाँ मम्मी तो बोल ही रही थी, मम्मी इसको बुलाई है, तो ये जाएगी क्या? हाँ तो इसलिए तुम्हारा वेट कर रहे थे, मम्मी का सेवा करने जा रहे हैं, सास कर रही है तो खुशी है। अरे यहाँ पे लोग है ना ऑलरेडी, वहाँ पे नहीं है लोग? वहाँ तो लगता है लोगे नहीं है, एक मिनट होता नहीं है कि देखो क्या कर रही हो, लोग नहीं है।
क्या कर रही हो, क्या करो, जैसे लग रहा है ना कितना एकदम हलवा पूरी एकदम बना के एकदम दे दिए अपने भाई को, चार को बिस्कुट दिए हैं। संस्कार सिखाने हैं तुम्हारा माए बाप तुम लोग इसको, कि आता है हाथ डुलाता है, वो जाता है कि बहन के घर जाता है तुम्हारा मिठाई लेके जाता है। वो भी बच्चा है, इसको क्या पता इतना रीति रिवाज, तुम्हारे सब बूढ़ा है, दाढ़ी मोछ भर भर मुंह उगा हुआ है बच्चा, दाढ़ी मोछ उगा ला बच्चा इसको बोल रही हो, भर भर मुंह दाढ़ी मोछ है बच्चा है। दाढ़ी मूछ होने से बहुत बड़ा हो जाता है ना, शादी ब्याह करेगा तो चार को छोटा भाई है तो हम तो बच्चा ही है मेरे लिए, बच्चा है मेरे लिए। ये बेचारा आया नहीं है तो उसका ना प्राण सुखा देते हो तुम इतना कुछ बोल बोल के। लगता है धर्मशाला बना के रखे हैं, जब मन कहता है ससुरलियन वाला को दांत बिदोर के बुला लेती हो, इसको क्या है दांत बिदोर के यहाँ पहुँच जाता है, दांत बिदोर के यहाँ पहुँच जाता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बाप रे, तुम गजब करते हो। पूछो मेरा भाई कब आया था, हाँ बताओ ना कब आया था, एक बार एग्जाम देने आए थे उसी टाइम ना आए थे, तो उसके बाद इसको शर्म लगा नहीं आया फिर, लेकिन तुम बुला ली इसको उस दिन के बाद से, नहीं तो आना भी नहीं चाह रहा था, तो हम जिद करके इसको बुलाए हैं, इधर से गुजर रहा था तो कॉल किया कि दीदी तुम्हारे तरफ से गुजर रहे, मम्मी भी बोली थी तुमको आने के लिए आओगी क्या, हम बोले आओ ना देखते हैं, और तुमको अगर ज्यादा ना बहुत ज्यादा बात करने का मन नहीं है तो यहाँ से छूट जाओ, यहाँ से भागो, इनके बात का ना बुरा मत मानना ठीक है, इनका ऐसे ही आदत है चुस्की लेते रहते हैं 24 घंटे, खाओ ना। क्या करूं मैं इसका, देखिए बहुत बेइज्जत कर रहा है। हाँ हम तो देख रहे हैं, रास्ते चलते हैं। अनेज क्या करोगे, हम उनको बताते हैं ना बहुत ज्यादा काबिल बनते हैं हम, हाँ आप नहीं, वो ऐसे ही तुम्हारा चुस्की लेते रहते हैं, जानते हो सह लेंगे थोड़ा सा, बाबू लो ना खाओ ना तुम कुछ, अरे रख क्यों दिए, अभी देखे कुछ खाएंगे नहीं, बहुत ज्यादा बजट कर दिया मेरा, बहुत ज्यादा बजट कर दिया मेरा, मुझे घर जाना है, आदत नहीं जानते वो कैसे करते रहते हैं हमेशा, तो ऐसे ही करते हैं, हम उनको समझाएंगे क्यों घबरा रहे हो, खाओ ना, नहीं अब नहीं, देखिए चलना चलना है ना आपको, कुछ ही सुन रहे हैं क्या, जाओगी तुम तो भाई, हम तुमसे पूछने आ रहे थे कि बुलाइए, उसका तो टांग है नहीं कि तोड़ सकेंगे, लेकिन तुम्हारा जरूर तोड़ देंगे, तो एक लीवर का आदमी है, तो एक लीवर का आदमी है तुम्हारा, लेकिन टांग हम तोड़ देंगे घर से बाहर अगर पैर रखी, सुनो ना ज्यादा अगर बकवास करोगे ना तो अभी ना दोनों हम दोनों ना चले जाएंगे, और मनाते रहना अपना छठ तुम अकेले ही, बाप रे बाप, आधा सीसी गिल गया, आधा गिल गया का क्या मतलब है, अभी एक तो भी उठाया भी नहीं बेचारा, तुम इतना काजू जी यहां है, मुंह दोनों भाई बहन का काजू खाएगी, काजू खाएगी, मुंह देखी हो अपना, काजू खाएगी मुंह देखी हो अपना, हैं मिठाई दो ही सब पागल, तुम क्या बकवास करते रहते हो हमेशा, गजब टूबी बाज आदमी, तमाशा लगा के रखे हो, काची हो गया का है, सीरियस हो गई है, क्या क्या बकवास कर रहे हो, क्या काजू एकदम सामने बैठा मतलब, हुआ तो काजू बैठा हुआ उसका 5 मिनट हुआ नहीं है कि काजू पिस्ता बादाम छोड़ा, रात भर रहेगा तो लगता है कि पूरा होटल का खाना बुक करवा दूंगी उसके लिए, पिछला बार भी आया था तो चिकन बटर मसाला को खाने का मन था, तुमको मन था कि क्या पनीर कोरमा खाने का, आज कहां से कोरमा नहीं खाएंगे, हां खाएंगे तो तुमको इससे क्या मतलब है, कुछ मतलब है तुमको, हमेशा बहुत तुमको एकदम देखे जा रहे हैं देखे जा रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं तो चलो ठीक है, हम समझ रहे हैं मजाक में है तो मजाक करो मजाक करो, इतना क्या भाई इतना क्या मजाक, ठीक कहा, चलिए दे चलिए, आप जान बोल रहे हैं, हाँ ये बहुत ज्यादा बहुत हो गया, समझ में आया, सुन रहे हो ना, अरे तब अरे क्या हो गया, मतलब क्या हम बोल दिए, क्या बोल दिया, अब तुम बचा क्या है कुछ बोलने के लिए, कर रहे हैं अच्छा हम क्या ऐसा बात बोल रहे, बेइज्जत कर दिया, बेइज्जतहा आदमी को अगर हम बेइज्जत, बेइज्जतहा आदमी को भी बेइज्जत लग रहे हैं, क्या क्या बेइज्जतहा बेइज्जतहा किए जा रहे हो, हाँ क्या बेइज्जतहा बेइज्जतहा, इसको कोई इज्जत नहीं है, क्या बोलना चाहते हो तुम, उसके सामने मार रही हो, घर जाके पूरा मोहल्ला गली के नहा देगा कि हमर जीजू को हमर बहन मार रही है, बोल रहे हैं वो तो हम तुम्हारा थोड़ा लिहाज करें, नहीं तो शुक्र मानो ना, हम इसका लिहाज करें कि मेरा भाई आया हुआ है, इसके सामने अगर हाथ उठा दिए ना तुम्हारे ऊपर तो मेरे घर में जाके मम्मी पापा को कुछ बोल देगा, अरे इसको तो देख के ही लगता है कि दोनों भाई बहन लड़ाकिन हो तुम लोग, तुम बैठो हम अपना कपड़ा पैक करते हैं और चलेंगे, बैठो, इनको तो मेहमान से बात करने का तमीज नहीं है, इनको तो मेहमान से बात करने का तमीज नहीं है, अच्छा घबराए नहीं है, ये हम लोग के घर पे भी आते हैं ना तो तुम भी जैसे ये तुमको ट्रीट करते हैं वैसे तुम इसको इनको ट्रीट करना, और क्या आप चलिए, हाँ हम जा रहे हैं, बैठो ना बैठ बैठ के खाओ, तब तक हम तब तक अपना कपड़ा दो चार ठो कपड़ा ले लेते हैं, कुछ करोगे, जाएंगे छठ में और क्या करेंगे, हम साला गाँव खिया क्या यहाँ कुर्सी टेबुल व्यवस्था और हलवाई रखे हैं, अब तुम चल जाओगी छठ में, आए छठ पत्नी रहती है तब शोभा देता है, मम्मी का तो जिंदगी भर तुम सेवा की हो, गोड़ में तेल लगाई हो, सास ससुर का भी थोड़ा सेवा कर लियो, तुमको पत्नी से कोई मतलब है, पत्नी का भाई आता है तो तुमको एकदम कांटा चुभ जाता है, पत्नी कांटा चुभ जाता है, पत्नी का भाई पिछले बार एक बार शादी के पहले ही आया था तो
बहुत चीज मेरा गड़बड़ हो गया था, खाना ऑर्डर कर दिया था होटल में 10-20 हजार का खाना इन लोग। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ज्यादा ना काबिल मत रहो, ये बहुत अच्छे से पता ना कि तुम 10-20 हजार से अच्छा ना तुम तो उतना इतना गाली सुना दोगे। गाली सुना देंगे, हटो हटो हटो। खेल उल्ले भाई। क्या रौली रौली ले आई? हाँ तो जाएंगे। अरे समझ गए, प्लानिंग तो तुम दोनों का रास्ता ही हो गया था घर से बात करके कि कपड़ा पैक करके रखना, वो नौटंकी करेगा तो चल चलेंगे। कपड़ा मेरा पैक ही रहता है। हाँ? समझ में आया ना, कपड़ा मेरा पैक ही रहता है। पैक रहता है, पैक रहता है। कची बोल दिया ऐसा कि तुमको दिल पे तुम बात क्या लग गया? नहीं बोला, अब तो बोल तो रहे कि हर चीज हमेशा इसको कुछ ना कुछ बोल देते हो। अगर ये घर में जाके अगर मेरे बोलेगा तो कैसा फील करेगा मेरे मम्मी पापा को? हाँ तो बोलेंगे इस बार। हाँ इधर बोल देना, हम बहुत ही मेरी वजह से सिर्फ तुमको छोड़ देता था। अब तो आएंगे भी नहीं कभी, हमेशा ऐसे ही करते हैं। हाँ। वो तो खुशी की बात है कि आप नहीं आइएगा, वो खुशी की बात है। सुनो ना, ये पूरा पूरा पानी है ना मुंह पे फेंक देंगे तुम्हारे। समझ में आया? बहुत देख रहे तुम्हारा नौटंकी। प्यारी समझ गई। खाने के लिए बैठे हैं तो आप सामने से प्लेट खींच रहे हैं। बताओ ना ऐसा कौन करता है? आए भी नहीं थे, अब प्लेट खींच रहे हैं। कौन करता है? मेहमान के साथ कोई ऐसा बिहेव करता है? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? सुअर गुह में चरता है, गुह में कीचड़ में रहता है, उसको चार पांच को गुह लग गया तो क्या हुआ? तो ये सब तुम लोग दोनों हो जलील करने वाले आदमी, जलील कर दिया तो क्या लगा? सुनो ट्रॉली को गाड़ी में रखो, जाओ। गाड़ी? किसका गाड़ी? केकर बाप की गाड़ी है क्या? किसका गाड़ी? किसका बाप का गाड़ी? सोनल का, सोनल का गाड़ी है। दूत हो गया बेटे। ये लो चाबी खोलो और रखो जाके। तुम जब तक खोलो बाबू। अरे कहाँ जा रही हो जी? क्या कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो? ट्रॉली तब तक तुम रखो ना। अरे नहीं जाना है। हम क्या क्या नहीं जाना है? तो लजघट्टा लड़का ही ले भी जा रहा है उसको भाई। क्यों नहीं लेके जाएगा? मेरा भाई है तो बहन को नहीं लेके जाएगा तो किसको लेके जाएगा? सही बोल रहा है कि छोड़िए उनको। दोबारा पैर नहीं रखोगी तुम इस घर में अगर चल गई तो यहाँ से। ज्यादा ना काबिल मत बनो। तुम क्या बकवास करते हो कि गाड़ी गाड़ी किसके बाप का है? हाँ तो मेरा गाड़ी है, मेरा कमाई का, कैसे चाबी उसको दे दी? जाओ ना कहीं पे भी चेक करेगा ना, अगर हम बोल देना कि मेरा गाड़ी है, मेरे नाम से सोनल, सोनल सूर्या के नाम से गाड़ी है। मजा आया। ये भगवान क्या जुलुम है। देखो ना काजू छुहारा छोड़ के गाड़ी का चाबी मेरा लपक लिया, ऐसा तो हम आदमी देखे ईदी लपक लिया। गजब बेइज्जती है। अरे चलो कहाँ जा रही हो? कहाँ क्या, कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो? खोलो ना। मजा आया। अरे अरे क्या हुआ जी? क्या क्या हुआ? अब ठीक हुआ तुम्हारे साथ जो हुआ ना, तुम अपने साथ खुद ही करवाते हो। लो रखो डिक्की में हम कर दिए हैं, खोलो। रुक जाओ। 2000 years later। अरे तुम लोग कहाँ जा रहे थे? अरे मजाक कर रहे थे, प्रैंक कर रहे थे। क्या मजाक कर रहे थे? अरे मजाक कर रहे थे जी। क्या हुआ, क्या दिक्कत हो गया तुम लोगों? ऐसे नहीं जा रहे, तुम्हारे गाड़ी का चाबी भी लेके जा रहे हैं। मेरा गाड़ी का चाबी लेके कहाँ जा रही हूँ? मेरा गाड़ी है, तुम दे दोगी भैबा को? दान में गाड़ी? दान में दे देंगे गाड़ी। तब गाड़ी मेरा है, क्यों चला नहीं सकता है मेरा भाई? क्या आप आग लगाने आते हैं घर में? आप आग लगा रहा है, आप लेके जा रहे हैं बहन को छठ के समय में? तो लेके जाएंगे। क्या दिक्कत, हम क्या बोल दिया ऐसा बात? क्या बोल दिए सब बात बोल के बोल रहे, सोच हुआ खा के बिल्ली चली हज को, वही बात हो गया। बाप रे, आप दुल्लू भरा मिल गया। अच्छा ठीक है, माफ की प्रैंक कर रहे थे, माफ कर दीजिए, मजाक कर रहे हमको। सॉरी मत बोलो, मेरे भाई को सॉरी बोलो। पैर छूते हैं आपका, सॉरी माफ कर दीजिए। हाँ, ये ज्यादा ठीक है। साला पूरा घर वाला पूरा खराब कर दीजिए। ठीक है, अच्छा बुरा मत मानिए आप, हम अब जो बोलिएगा वो करेंगे। जो बोलेगा देखो, गुस्सा छठ में मत जाओ घर, जो बोलेगा वो। देखिए गाइस, गुस्सा के चल गई था, हम यहाँ पे प्रैंक कर रहे थे, पानी उनी सब फेंक दी थी उसको, चल गई थी। हम सोचे इसको मना लें, उसके बाद गाड़ी का चाबी दे दो। ठीक ना, लो अपने गाड़ी का चाबी, लो लो। ठीक है, अब नहीं जा रहे हैं लोग। प्रैंक वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल सब के सम्मान करना। बी हैप्पी सर, ये इतना एक्साइटेड था इसका भाई आने के लिए मेरे यहाँ, और जाने के लिए उतना एक्साइटेड, एक्साइटमेंट में आने के लिए एक चीज भूल गया। घूमिए तो साले साहब जरा इधर, ये देखिए यहाँ टैग हटाना, पैंट का भूल गए। आपके नया पैंट का टैग है, बहन के आ रहा था तो नया पैंट पहन के आ रहा था, तो बहन के नया पैंट नहीं पहने को, तो पुराना पैंट पहने को, तुम आदमी लोग के जैसा। कभी नया पैंट पहना नहीं, इसीलिए तो लगता है साटना खाना भूल जाता है सबको। अरे प्रैंक कर रहे, आप तो बोलिए दिए, मजाक कर रहे थे, सॉरी उसके लिए अगर बुरा लगा था। चाट मंगवा दो
और क्या बोलते हैं अब ये रस मलाई होता है ना, हाँ। दो तो वो मंगा दो। गाढ़ा मलाई नहीं मंगा दे, तुम्हारे लिए हम रस मलाई मंगा दे। यही सब देखा, एक बात नहीं मानते हैं ये। अच्छा ठीक है, मंगवा देते हैं रस मलाई मंगवा देते हैं। जय दिन, कई दिन रहेगा? काक महीना, हाँ तो काक महीना के लिए इसका खाना होटल से बुक करवाते हैं। ठीक है गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हमको कंगाल करके छोड़िए।